भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रतिबिंब कुछ समय के लिए चंद्रमा के पीछे ढक जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। वर्ष 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। वहीं साल 2023 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटना में गिना जाता है। सूर्य ग्रहण न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण किन राशियों के लिए अशुभ साबित होने वाला है। मेष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण मेष राशि के जातकों के लिए अशुभ रहने वाला है। इन राशि वाले लोगों के जीवन में एक साथ कई परेशानियां आ सकती हैं। जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। इस राशि के लोगों का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का उचित परिणाम नहीं मिलेगा। सिंह राशि। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण सिंह राशि वालों के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। आपको अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको कुछ ऐसी खबरें भी मिल सकती हैं जो आपके लिए शुभ नहीं होंगी। इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से सिंह राशि के लोग मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। कन्या राशि। कन्या राशि वालों को भी सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान कन्या राशि वालों को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है जिसका आपकी कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। तुला राशि। तुला राशि वालों पर भी सूर्य ग्रहण का अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी। इस दौरान किसी के साथ आपकी बहस बढ़ सकती है। तुला राशि के जातकों को सूर्य ग्रहण के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपके अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, इसलिए आपको बजट बनाकर चलने की सलाह दी जाती है। VideoDex.jeevanjali.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।